डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट होने की तैयारी में, बराबर। अब कितने चैप्टर बचे हैं हमारे? अब मेरे हिसाब से सिर्फ एक चैप्टर बचा है, ये एक आधा और एक धंधा ने सामाजिक जवाबदारी। लेकिन अभी अगर मैं हमारे दसवें चैप्टर की बात करूँ, तो हमने हमारे से पहले वाले सेशन में इसका दूसरा हिस्सा देखा था ना। दूसरे हिस्से में हमने निकास विधि मीन्स के बरामद के तरीके और उसके लिए गवर्नमेंट ने हमारी हौसला अफजाई के लिए क्या कौन कौन से कदम उठाए हैं, हमने उसकी बात की थी। आज हम बात करेंगे आयात विधि मीन्स के दरामद के तरीके। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे कुछ सेकंड्स का, कि जैसे हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी क्या, हाँ, बहरूनी तिजारत यानी क्या। तो भाई आंतरराष्ट्रीय व्यापार एटले आयात अने निकासनो व्यापार, कि मैंने दरामद और बरामद की तिजारत यानी बहरूनी तिजारत। अगर आप भारत में से दूसरे मुल्क में माल भेज रहे हो तो आपने बरामद की, दूसरे मुल्क से भारत में माल आ रहा है उसको दरामद कहते हैं। अब इन दोनों के तरीके भी अलग अलग होते हैं, बराबर, इनकी प्रोसेस अलग अलग होती है। अलग अलग मुल्कों में भी इनकी प्रोसेस अलग अलग होती है। अब अगर हम फिलहाल आयात विधि की बात करें, इंपोर्ट की बात करें, तो भारत में जो विधि है आज हम उसको देखेंगे कि भारत में दरामद का कौन सा तरीका है। तो अगर आपको किसी दूसरे मुल्क से भारत में माल मंगवाना है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इस टॉपिक में हम वही देखेंगे। इसमें सबसे पहली प्रोसेस आपको क्या करना पड़ेगी, आयात परवानो मेड़ो, यानी सरकार ने जिन चीज़ वस्तुओं जिन सामान की या जिस खिदमात की लिस्ट बाहर पाड़ी है आप सिर्फ उसी को मंगवा सकते हो, ठीक है। और ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में से अगर आपको कोई सामान मंगवाना है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट के पास से सबसे पहले OGL ओपन जनरल लाइसेंस, यानी आपको जो सामान मंगवाना है उसके लिए पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से कि भाई मुझे ये मंगवाना है। हालांकि ये है बहुत आसान, ये जो लाइसेंस लेना है ये। और अगर जो ये लिस्ट है, अब आपके उनमें सवाल होगा कि टीचर आपने कहा कि गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसमें से कुछ मंगाना हो तो OGL लेना पड़ता है, चलो समझ में आ गया टीचर हमारे कि हमको लाइसेंस लेना है। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि टीचर अगर अब हमको उस लिस्ट में से सामान नहीं चाहिए, हमको तो कोई दूसरा ही सामान चाहिए जो उस लिस्ट में नहीं है, तो हमारे क्या करने का। तो आपको ये करना पड़ेगा कि लिस्ट सिवाय की, लिस्ट बगैर के अगर आपको कोई सामान मंगवाना है अगर आपको, तो आयात व्यापार नियामक इसकी जो दरामदी तिजारत का ऑफिसर है आपको उसके पास अर्जी करना पड़ेगी। उस अर्जी के अंदर जो सामान मंगवा रहा है, जैसे कि हम, तो हमें हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हम क्या मंगवा रहे हैं उसकी पूरी पूरी डिटेल, हमारी माली हालात, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। हम कौन से मुल्क से सामान मंगवाना चाह रहे हैं, उस मुल्क का नाम, किससे मंगवा रहे हैं उसका नाम, ये सारी चीज़ें हमको हमारी अर्जी में, हमारी एप्लीकेशन में लिखनी होंगी। अब वो जो ऑफिसर है वो हमारी इस अर्जी को चेक करेगा और अगर उसको सब कुछ सेटिस्फाइड लगता है, उसको लगता है कि हाँ चलो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हमको माल मंगवाने के लिए लाइसेंस दे देगा या फिर वो हमको माल मंगवाने के लिए मंजूरी दे देगा। उसके बाद हमारा टॉपिक है हुंडियामण मेड़वानी व्यवस्था करवी, कि सरमायाकारी हासिल करने का निज़ाम करना, इंतज़ाम करना। अगर हम विदेश से माल मंगवा रहे हैं, बराबर, तो हमको पैसे हम हमारे इंडियन रुपीज़ में नहीं कर सकते, हमको उसके यहाँ पे जो चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर उसके यहाँ पे डॉलर चल रहा है तो आपको डॉलर में देना है, उसके यहाँ पे अगर पाउंड चल रहा है तो आपको पाउंड में देना है, उसके यहाँ पे अगर पैसे चल रहा है तो आपको पैसे में देना है, बराबर। तो आपको सबसे पहले सरमायाकारी, विदेशी सरमायाकारी, बराबर, आपको उसका इंतज़ाम करना होगा। अब हमारे मुल्क में जो विदेशी सरमायाकारी है उसके ऊपर किसका नियंत्रण है, किसका काबू है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगर आप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को अर्जी करो कि भाई मुझे इस बैंक में से इतना इतना ये पैसा चाहिए, तो रिज़र्व बैंक आपकी उस अर्जी को शेरा कर देती है, मीन्स के मंजूर कर देती है, और उसके बाद आपको
पैसे मिल जाएंगे। लेकिन एक बात हमें जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आप जो अर्जी कर रहे हो, आप जो एप्लीकेशन दे रहे हो पैसे हासिल करने के लिए, उसमें आपको कितने पैसे चाहिए ये आपको अमेरिकन डॉलर में ही बताना पड़ेगा। फिर भले आप जिस मुल्क से माल मंगवा रहे हो उसके यहाँ पे पाउंड चलता हो, पैसे चलते हो, येन चलता हो, उसके यहाँ पे कुछ भी चलता हो, लेकिन आपको जितने पैसे चाहिए वो आपको अमेरिकन डॉलर में ही बताना पड़ेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है शाख पत्र मोकलू, लेटर ऑफ क्रेडिट, सॉरी तीसरा हमारा टॉपिक है ऑर्डर मुकुओ, कि यानी अगर आपको ओजीएल मिल गया, आपको लाइसेंस मिल गया, बराबर, आपको पैसे भी मिल गए, उसके बाद आप किससे माल ले रहे हो, बराबर, आपको उस माल की पूरी पूरी विगत यानी उसकी ए टू जेड मालूमात, उसकी कीमत, उसकी क्या क्या शर्तें हैं, ये सारी चीज़ें देखना पड़ेंगी। आपने वो देख ली, वो सब आपको मंजूर है, उसके बाद आप ऑर्डर दोगे दूसरे मुल्क के व्यापारी को, बराबर। इस ऑर्डर को इंडेंट कहते हैं, यानी अगर आप दूसरे मुल्क के किसी व्यापारी को ऑर्डर दे रहे हो अपने सामान का, उसको हम हमारी भाषा में क्या कहेंगे, मीन्स कि हमारी तिजारती भाषा में क्या कहेंगे, इंडेंट कहेंगे। इस इंडेंट में माल की पूरी मालूमात, उसकी कीमत, उसकी पैकिंग, उसका बीमा, ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम, ये सारी चीज़ें क्लियर की जाती है। उसके बाद हमारा चौथा टॉपिक है शाख पत्र मोकलू, लेटर ऑफ क्रेडिट, कि शाख पत्र यानी क्या, एक दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज है, जो आप जो सामान भेजने वाला है दूसरे मुल्क से, उसको आप ये कहीं ना कहीं पे एक हम ये कह सकते हैं कि निश्चिंत कर रहे हो, आप उसको बेफिक्र कर रहे हो कि भाई तू बेफिक्र रहे, ये जो मैं तुझे दे रहा हूँ लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब ये खातरी है, ये भरोसा है कि आप उसको उसके पैसे दे दोगे जब आपको माल मिल जाएगा तब। अच्छा, तो ये शाख पत्र जो है एक्चुअली क्या है, ये शाख पत्र एक्चुअली वो जो आपको निकासकार है, जो आपको बरामद कर रहा है, जो अपना सामान आपको बेच रहा है, वो आप फाइनेंशियल तौर पर कितने कैपेबल हो, बराबर, ये जानने के लिए आपसे लेटर ऑफ क्रेडिट मांगता है। और लेटर ऑफ क्रेडिट उसको इस बात का इत्मीनान दिलाते हैं कि उसको उसके पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद पांचवा टॉपिक आता है दस्तावेज मिला हुआ। अब जो निकास कार्य यानी जो आपको बरामद करने वाला है अपना सामान, बराबर, वो क्या करेगा, बैंक के जरिए उसके सारे दस्तावेज, यानी वो भी कहीं फ्रॉड तो नहीं है, है ना, तो वो अपने सारे दस्तावेज भेजेगा कहाँ पर, बैंक के थ्रू। आपको बैंक में जाकर वो दस्तावेज क्लियर करवाने हैं। अब ये जो दस्तावेज ये भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है डीए, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, और दूसरा होता है डीपी, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। ये जो दोनों दस्तावेज है ये किसको लेने होते हैं, आयातकार को, यानी हमें जो माल मंगवा रहा है उसको। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माल प्राप्ति नो ऑर्डर मेड़ा वो, कि हमें जो दस्तावेज मिल गए कहाँ से, बैंक से, बराबर, तो उसके ऊपर अब आपकी मालिकी हो गई क्योंकि वो सामान आपने खरीद लिया है। तो ये आपको कहाँ पे बताना पड़ेंगे, बिल ऑफ लैंडिंग, यानी जब आप आपका माल लेने के लिए, यानी जब अगर जहाजी कंपनी ने आपका माल ले आई है बंदरगाह के ऊपर, बराबर, तो वहाँ पर जाकर आपको ये दस्तावेज बताने होते हैं, जिसको बिल ऑफ लैंडिंग भी हम कहेंगे, जिसको जहाजी कंपनी शेरा मारती है, यानी वो भी ओके करती है, और जहाज के कप्तान को आपको वो बताना होता है, जहाज का कप्तान वो देखकर उसके ऊपर शेरो मारकर, मतलब शेरा लगाकर, और फिर उसके पास से आप आपका माल छुड़वा सकते हो, जिसको हम हमारी आम भाषा में बिल्टी बोलते हैं ना, कि बिल्टी अपने मार्केट में जाओ तो वो अपने को अपना सामान दे देता है, उसी तरह ये बिल ऑफ लैंडिंग आप जहाजी कंपनी के कप्तान को बता दो तो जो जहाज का कप्तान है वो आपको आपका सामान दे देगा जो दूसरे मुल्क से आया है। उसके बाद सातवां टॉपिक है आयात जकात भरवी। हम जो विदेश से माल मंगवाते हैं उसके ऊपर हमको टैक्स भरना होता है, इस टैक्स को हम आयात जकात कहेंगे। आप आपकी स्क्रीन के ऊपर उसकी रिसिप्ट भी देख सकते हो कि इसके ऊपर क्या क्या होता है, इसके ऊपर जहाज का नाम, बराबर,
विदेश के किस बंदरगाह से माल चढ़ाया गया है जहाज में, उस बंदरगाह का नाम, किसने चढ़वाया है उसका नाम, उसका एड्रेस, किसको देना है यानी हमें आयातकर्ता नाम मीन्स के हमारा नाम, हमारा एड्रेस और माल की पूरी पूरी डिटेल, कितने किलो है, कितने लीटर है, ठीक है, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर लिखी हुई होती हैं। जब आप बॉन्डेड गोदाम के पास जाओगे, बराबर, मतलब गोदाम जहाँ पर आपका सामान रखा हुआ है वहाँ पर आप जाओगे, वहाँ पर जाकर आपको ये बिल ऑफ एंट्री, जिसको कंसुलर इनवॉइस भी कहेंगे, ये आपको बताना है। वो उसके ऊपर शेरा मारेगा और फिर वो भी आपको आपका सामान वहाँ से दे देगा। उसके बाद आता है आठवां टॉपिक है हमारा डॉक चार्ज नहीं चुकवनी करवी। आयात कार्य यानी हम कैसे माल मंगवा रहे हैं, हवाई मार्ग यानी भाई हम एरोप्लेन में मंगवा रहे हैं, जमीन मार्ग हमने ट्रेन में मंगवाया, हमने ट्रक में मंगवाया, दरियाई मार्ग हमने जहाज में मंगवाया, हमने किसी भी रास्ते से मंगवाया हो, लेकिन जहाँ पर जिस जगह पर आकर हमारा वाहन, जिसके अंदर हमने ट्रांसपोर्टेशन करके हमारा सामान मंगवाया, वो खड़ा होता है, उसका भी हमें खर्च चुकता करना होता है और हमें जो खर्च चुकता करते हैं उसका जो टैक्स भरते हैं उसको डॉक चार्जेस कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? डॉक चार्जेस कहते हैं। इसके ऊपर आपको चार्जेस किस चीज़ के लगते हैं एक्चुअली? कि यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं होती है, बहुत सारी सहूलतें होती हैं, जैसे कि आपका सामान ख़राब ना हो उसका ध्यान रखा जाता है, वो टूटे फूटे ना उसका ध्यान रखा जाता है, आपका सामान महफूज रहे ये इस बात का वहाँ पर ध्यान रखा जाता है। और डॉक चार्जेस भरने के बाद आपको जो रसीद मिलती है, जब आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें देख भी सकते हो आप इसको, डॉक रिसिप्ट, ये दिख रहा है आपको डॉक रिसिप्ट, कि आपने वो जो डॉक चार्जेस भरे उसके बदले आपको ऐसी रसीद मिलती है जिसको डॉक रसीद कहते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है आयात विधि में माल नो कब्जो मेड़ के ऊपर की सारी कार्यवाही, अगर हमने भर दी है ऊपर की सारी कार्यवाही हमने कर ली, हमने ओजेल ले लिया, हमने विदेशी पैसे तैयार कर लिए, हमने ऑर्डर दे दिया, हमने लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया, हमने दस्तावेज हासिल कर लिए, हमने बिल ऑफ लैंडिंग जमा कर दिया, हमने हमारे माल का टैक्स भर दिया मीन्स के माल के आने का टैक्स भर दिया, हमने डॉक चार्जेस दे दिए, उसके बाद सिर्फ हमारा एक ही काम बचता है, हमारा ये काम बचता है कि हमारा जो माल बॉन्डेड गोदाम में पड़ा हुआ है उसको हमें हमारी जगह पर लेकर जाना है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप मान लो कि आज आपका सामान आया है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि आपका सामान आया है, लेकिन आप आज नहीं लेना चाहते हो, आप 8 दिन के बाद लेना चाहते हो, 10 दिन के बाद लेना चाहते हो, 4 दिन के बाद लेना चाहते हो, अभी आपको ज़रूरत नहीं है, बराबर, तो आप अगर उसी बॉन्डेड गोदाम में अपने माल को रहने देना चाहते हो तो उस एक्स्ट्रा टाइम के लिए आपको उस गोदाम वाले को जो भाड़ा देना होता है उसे डैमरेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डैमरेज कहते हैं, यानी वो बॉन्डेड गोदाम के अंदर आपका माल महफूज रहेगा, सेफ रहेगा, इसके लिए आपको जो भाड़ा देना होता है, जो किराया देना होता है, उसे हमारी तिजारती लैंग्वेज में हम डैमरेज कहते हैं। तो आज हमारा आयात विधि का टॉपिक यहीं पे पूरा हुआ। अब इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में निकास विधि, यानी ये तो हमने तरीका देखा कि सामान दरामद कैसे कर सकते हैं दूसरे मुल्क से, अब हम तरीका देखेंगे कि सामान हम बरामद कैसे कर सकते हैं दूसरे मुल्क में। तो इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में बरामद के तरीके भी देख लेंगे।